नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। और आज बात करेंगे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग के बारे में। दोस्तों क्या होता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस? दोस्तों एक एज के बाद में, सर्टेन एज के बाद में, जिस एज पर ब्लैडर कंट्रोल कैपेसिटी आ जाती है, इसके बाद अगर बच्चा रात के समय बेड वेटिंग करता है, यूरिन पास कर देता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो कौन सी एक एज होती है जिसपे ब्लैडर कंट्रोल कैपेसिटी आ जाती है? डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, लेकिन ये देखा गया है कि 7 साल के बाद में ब्लैडर कंट्रोल कैपेसिटी फुल्ली एडल्ट के जैसी ब्लैडर कंट्रोल कैपेसिटी हो जाती है। ब्लैडर कंट्रोल कैपेसिटी डेवलप होने के बाद हो रहा है तो उसके क्या कारण होते हैं? इसका मुख्य कारण है दोस्तों डेवलपमेंटल डिले, कि अभी जितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी चीज, हेरिडेटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस बच्चे में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की समस्या है, उसके माता पिता की भी अगर हिस्ट्री उठाएंगे तो उनमें भी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की समस्या मिलेगी दोस्तों। और इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर बच्चे में है तो उसकी वजह से भी बच्चा नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का केस के तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक घर से दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, तो इस बच्चे की बुलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर लोग हंस दिए, उसके मार्क्स कम आए, तो कि बच्चे का अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो बच्चा भी इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। दोस्तों नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस और सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि बच्चा अभी शुरुआत से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा टाइम नहीं हुआ है जब उसको रात में पेशाब उसने ना किया हो, रात के टाइम यूरिनेशन उसका ना हुआ हो। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि बच्चा 5 साल के बाद में अब वो रात में शूसू नहीं कर रहा है, लेकिन 6 साल, 6.5 साल के बाद में, 1 साल तक वो बिल्कुल आराम से बढ़िया ठीक रहा, लेकिन अब 6-7 साल का फिर से जब हुआ है, फिर से रात में अब उसने शूसू करना स्टार्ट कर दिया, ये सेकेंडरी एन्यूरेसिस होता है। दोस्तों सेकेंडरी एन्यूरेसिस में हमको हमेशा एक मेडिकल कॉज ढूंढना चाहिए। दोस्तों फिजिकल या मेडिकल कॉजेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल या मेडिकल कॉजेस में यूरिनरी ट्रैक्ट से लेकर किडनी तक अगर कहीं भी इंफेक्शन होगा या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दोस्तों स्पाइन प्रॉब्लम अगर होगा बच्चे में तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, मेडिकल इंटॉक्सिकेशन, स्पेशली एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन अगर बच्चे की चल रही है तो इसकी वजह से भी बच्चे में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के केसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कैफिनेटेड ड्रिंक्स का देखा गया है, स्पेशली अल्कोहल के साथ अगर लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का एडल्ट्स में। दोस्तों इसके अलावा डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का कॉज होता है एडल्ट्स में। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों ट्रीटमेंट में हम बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है कि बच्चे अगर रात में सूसू करता है तो हमें क्या करना है, बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है। टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करेंगे? बच्चा रात में सोने से पहले 2 घंटे पहले हमें उसको कोई कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं देनी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है उसको सोने से पहले, और रात में वो टाइम हमको देखना है जिस टाइम बच्चा रात में बेड वेट कर देता है, उसके पहले हमें अलार्म लगा लेना है। अलार्म लगा के बच्चे को जगा के रात के टाइम सूसू करा देना है और उसके बाद फिर से बच्चे को लिटा देना है। दूसरा, आजकल अलार्म्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जो मॉइस्चर का जब सेंसेशन उनको पड़ता है तो अलार्म बज जाते हैं और बच्चा जग जाएगा तो ऑटोमेटिक जाके वो सूसू कर लेगा। मेडिसिन कौन सी होती है बेड वेटिंग की? बेड वेटिंग की मेडिसिन में हमारे पास में ऑप्शन के तौर पर डेस्मोप्रेसिन नेजल स्प्रे और डेस्मोप्रेसिन टैबलेट्स अवेलेबल है। इनका यूज विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं करना है।